हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल पे वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल जो कि आपके रिलेटेड हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। मैंने आपसे कहा था इसके पहले लेक्चर में कि मैं डेफिनेटली कुछ न्यूमेरिकल्स आपको, अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा जो कि आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पे बेस्ड होंगे। तो यहाँ मैं टू टू न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ। पहले दो न्यूमेरिकल्स आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड होंगे और बाद के दो न्यूमेरिकल्स आपके ग्रेविटेशन पे बेस्ड होंगे, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट। फाइंड इट्स स्पीड कब बतानी है? नंबर फर्स्ट, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नंबर सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नंबर थर्ड, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर? आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना है कि टी बराबर 1 सेकेंड पे हमारा क्या होगा, ठीक है? वेलोसिटी कितनी होगी? टी बराबर 2 सेकेंड पे कितनी होगी? टी बराबर 3 सेकेंड पे कितनी होगी? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, बड़ा ही सिंपल है। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, यहाँ से रिलीज किया और उसका लोकेशन ओ पॉइंट पे है। आपने इसको रिलीज किया तो ये जब टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो इसकी लोकेशन यहाँ पे आ गई, जिसको हमने ए कहा। फर्दर उसके बाद टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है? मतलब बी पॉइंट पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टी बराबर 2 सेकेंड था। और फिर ये फर्दर, ठीक है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इस लोकेशन नंबर सी पे पहुंच गया। मतलब भाई इसको क्या हुआ भाई, यहाँ पे अगर मैंने ओ मान रखा है तो ओ से ए पे आने में 1 सेकेंड, ए से बी पे आने पे 2 सेकेंड, बी से सी पे आने पे 3 सेकेंड, मतलब है 1 1 सेकेंड का डिफरेंस है। अब आपको बताना है कि भाई वेलासिटी हर पॉइंट पे कितनी होगी, मतलब है वेलासिटी एट ए बतानी है, फिर वेलासिटी एट बी बतानी है, फिर वेलासिटी एट सी बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल है। आपने एक इक्वेशन पढ़ा न्यूटन का, वी इज इक्वल टू यू, ठीक है, प्लस माइनस जी टी। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कहाँ पे आ रहे हो आप? सीधी सी बात, आप आ रहे हो टॉप और आप आ रहे हो टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो साइन कौन सा लेंगे? प्लस वाला लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है दोनों साइन मेंशन किया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे साइन ले रहा हूँ वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी साइन ले रहा हूँ। अब हमें यह पता है कि भाई इनिशियल स्पीड, भाई जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होगे उस समय इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। तो यहां पे हमने क्या मान लिया, यू को जीरो मान लिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, वी इक्वल टू सिंपली जी टी आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब कुछ करना थोड़ी ना है भाई, जी की वैल्यू आपको दे रखा है, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, v की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे दो जी और टी की पुट करिए। तो 9.8 पहले पुट करेंगे इनटू टाइम 1 सेकेंड, तो ये हमें वेलोसिटी एट लोकेशन ए पे मिलेगी। तो ए पे वेलोसिटी कितनी है, 9.8 यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। सिमिलरली वेलोसिटी एट बी कितनी मिलेगी बेटा इस लोकेशन पे, आपको मालूम है कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो ये कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें वी सी निकालना हो, मतलब इस लोकेशन पे, तो कुछ नहीं करना, 9.8 को क्या करो बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 29.4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है? और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल्स होते बहुत आसान है, लेकिन एक बार हमको वो उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा कि यहां मैंने लिया है कि ये पर्सन टेक्स आउट ए क्वाइन, ध्यान से सुनिएगा, ए पर्सन
takes out a coin from his pocket, from his pocket, and drops it, and drops it. वो उसे गिरा देता है, मतलब हम अपने जेब से पैसा निकालते हैं और उसको गिरा देते हैं. कितनी हाइट से? फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.6 मीटर. क्लियर? मतलब है 1.6 मीटर से उसे गिरा देते हैं. विद व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड? विद व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड? मतलब कुल मिला के हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि कितनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा. ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कि आप यहाँ पे आप गिरा रहे हो भाई, यहाँ से आपने इसकी जो हाइट है, इस बार हमको हाइट दे रखा है कितनी है, 1.6 मीटर है. ठीक है, ये हमको बेटा दे रखा है h की वैल्यू. तो सीधी सी बात भाई, जब हम इसे गिराएंगे उसके पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी. ये तो समझते क्यों? अब आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिरते समय कितनी हो जाएगी. मोशन कहाँ हो रहा है? टॉप टू बॉटम हो रहा है. जैसे टॉप टू बॉटम यहाँ पे है तो प्लस साइन आपने लिया था, तो इक्वेशन में प्लस साइन. अब सोचने वाली बात है, न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस है, उसमें से हमको एच यू वी दिया है, तो कौन सा इक्वेशन इस बार यूज कर सकते हैं? भाई ये वाला इक्वेशन तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम तो बताना नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास दो और इक्वेशन है. एक क्या है? एक तो है हमारे पास, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, h इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ ये वाला इक्वेशन भी डोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में बात नहीं की गई है. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या बचता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. बड़ा ही सिंपल, पक्का है, कन्फर्म है, यही लगेगा. तो यहाँ पे u की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है क्या होगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2gh होगा. मतलब v की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2gh होगी. कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज पुट कर देनी है. h की वैल्यू कितनी है, 1.6, और g की वैल्यू 9.8. ठीक है, यहाँ पे 1.6 रख दीजिए और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 32, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 31.36, अंडर रूट 31.36 सॉल्व करेंगे. इसके बाद ये आ जाएगा बेटा 5.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेटा जब कभी भी जी की वैल्यू आपके सामने ना दी हो ना, तो वहां पे आप जी की वैल्यू को हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखिएगा. और कभी आपको बाय चांस वैल्यू दे दी जाए 9.8, तब तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 वाली वैल्यू ही लग जाती है. ठीक है, क्योंकि 9.8 से कैलकुलेशन लिटिल बिट ट्रिकी हो जाता है. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं होते, जहां पे हमको क्या होता है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है कि अगर हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो वहां पे जी की वैल्यू को थोड़ा बहुत ध्यान में रखा जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बगैर इसके आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नॉलेज होना चाहिए. अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है. ठीक है, क्योंकि मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, तो पहले सबसे पहले थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में यह कहा गया है कि ध्यान से सुनिएगा बेटा, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स. क्या करना है आपको, फाइंड कैपिटल जी किसके किसके बीच में, बिटवीन टू प्रोटॉन्स. अब प्रोटॉन आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे आप फैमिलियर हो. ठीक है, और सेपरेटेड बाय वन, ठीक है, फेमटोमीटर डिस्टेंस, वन फेमटो
मीटर डिस्टेंस। अब एक नया टर्म है बेटा, फेमटोमीटर आपके लिए थोड़ा सा नया है ना, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। फेमटोमीटर अगर कहीं लिखा जाएगा तो आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फेमटोमीटर की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 FM, 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू 10^-15 मीटर, याद कर लीजिए। एक और मैं बता दूँ, 1 नैनोमीटर ठीक है इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। ये दोनों वैल्यूज आप याद कर लो ठीक, ये बहुत काम आती है। अब माइक्रो होता है, माइक्रो में 10^-6 होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप कहाँ तक याद करोगे, फिलहाल जो वैल्यूज आपको दी भी जाएंगी वो आपकी ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन में लिखी रहेंगी ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको दे रखा है कि मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है, ये पक्का दिया रहेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1.67 × 10^-27 kg ठीक है, ये हमको वैल्यू दे रखा है। तो आपको बताना है फोर्स बेटा कितना लगेगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसका सोल्यूशन निकालना चाहे तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दो, जी की वैल्यू आपको याद होगी 6.67 × 10^-11 ठीक है, इंटू अब 2 टाइम्स मास है बेटा, तो मास ऑफ द प्रोटॉन का कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दो है ना, दो क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में निकालना, तो दोनों का स्क्वायर कर दो। तो 1.67 × 10^-27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर, आर का स्क्वायर मतलब है 1 फेमटोमीटर है, 10^-15 है दिया है हमको, तो 10^-15 इसको वैल्यूज पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी अप्रोक्सीमेटली ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, 1.86 × 10^-34 न्यूटन होगी। कितनी होती है, इतनी वैल्यूज आपकी आएगी ठीक है। आप इसको बेटा कैलकुलेशन को कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है 1.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई करना है, आपको फिर 6.67 से मल्टीप्लाई करना है, 10^-11 है, यहाँ पे 10^-27 है, 27 × 2 कितना होगा -54 होगा, और -54 − 11 कितना होगा आपको भी पता है, 54 में 11 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10^-65 आएगा, और नीचे आपको भी पता है कितना है बेटा, 10^-15 × 30 हो जाएगा, और ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे × 10^-30 हमें प्लस में मिलेगा ठीक है। अब 30 65 में से माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10^-35 मिलेगा, और ये वाली वैल्यू देखो कितनी क्लोज है, चूंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई करोगे तो 1-2 पॉइंट शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर 10^-34 की क्लोज आ रहा है ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, चल अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा इसी पे बेस्ड है, एफ इज इक्वल टू जी एम ओन एम टू बाय आर स्क्वायर पे ही, और थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन फिर भी आप कर लोगे ठीक है। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट ठीक है, एक का मास m है और एक का मास बेटा 2m है ठीक है। उसने क्या कहा, एक का मास m है दूसरे का मास 2m है और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उस पर लगने वाला फोर्स ठीक है अपने पहले लगने वाले फोर्स के ठीक है कंपैरिजन में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है उसकी वैल्यू पहली चीज कितनी होगी। देखो पहले इन द सेंस क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, पहले इन द सेंस क्या है, दोनों का मास क्या था, एम एम था, क्या था एम एम था। अब हमने इसके मास को डबल कर दिया, दूसरे वाले पार्टिकल के मास को 2m कर दिया, पहले वाले पार्टिकल के मास को m रहने दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा उसको चेक करते हैं। तो आपने पढ़ा है भैया एफ इज इक्वल टू पहले वाले फोर्स को निकालो, तो एफ वन निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा जी एम वन एम टू दैट इज एम एम डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस आर थी, तो हमने आर स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन, ये एफ वन हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बात बताओ इक्वेशन टू, एफ टू कितना होगा 2 के लिए, ध्यान से देखो, यहाँ पे जी लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे, यहाँ पे इंटू 2m लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा, 2 बाहर ले लो तो ये बन जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल गया हमको f2।
अब एक बात बताओ, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है कितना? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ वन है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं टू टाइम्स एफ वन। तो सीधी सी बात है, फोर्स कितना टाइम्स हो गया? टू टाइम्स हो गया ना। तो ये बेटा कैलकुलेशन का तरीका है। आप डायरेक्ट बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि अगर एफ इज इक्वल टू क्या है, जी एम वन एम टू है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, ठीक है, चलो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो अगर मास को, एक मास को हमने डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या होगा, डायरेक्ट डबल हो जाएगा, बोल सकते थे। लेकिन वो क्वेश्चन फंसा सकता था, वो कह देता कि दोनों को डबल कर दिया, अब भाई इसको 2m कर दिया, इसको 2m कर दिया, तो आपको यही फिर मेथड लगाना पड़ता ना। यहाँ पे जैसे आपने 2m रखा तो यहाँ फिर 2m रखते तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 टाइम्स एफ वन आता। इसका मतलब है अगर दोनों के मास को डबल डबल करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक, इसी का एक और छोटा सा पार्ट, अब हम डिस्टेंस में चेंजेस करते हैं। पहले ये डिस्टेंस आर थी, अब हमने इसके डिस्टेंस को हाफ कर दिया, कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखो पहले तो फोर्स हमारा यही रहेगा, कोई इसमें डाउट है नहीं। ठीक, दूसरा फोर्स हम निकालते हैं तो दूसरा फोर्स क्या होगा बेटा, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, कुछ नहीं, इसको टू टू जा फोर को ऊपर कर दो तो यहाँ पे फोर आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और हमको पता है जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है क्या भैया, एफ वन है, तो यहाँ पे फोर टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमने क्या किया, डिस्टेंस को बेटा क्या किया, हाफ किया, तो फोर्स हमारा क्या होगा, फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस को टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना, हाफ नहीं करके बल्कि क्या किया, टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो हमारा फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आपको भी पता है कि ये नीचे जो r बाई टू है वो 2r होगा और यहाँ पे 2r स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट इज यहाँ पे 1 मतलब है 1/4 आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से 4 टाइम्स आपका फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी दो केस बनते हैं। आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ में आ गई होंगी। नाइन्थ के लेवल पे अगर आप एक एक चीज़ों को ग्रिप बना के चलते हो, डेफिनेटली आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं आपको कंटेंट दूँ वो बेहतर से बेहतर कंटेंट हो। आपको इस मतलब है कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी जगह पर ना आए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।